नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज 27 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 27 नवंबर के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और देखिए 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, ये 6 हो गए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से? पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी की जयंती मनाई जाती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मेल मेन APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस और 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश GK से रहते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और जो कल क्विज हुआ था हमारा 101वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो विद्या बिसेन की आई है, सेकंड रैंक विनीता दिवाकर की आई है और जो थर्ड रैंक है वो धर्मेंद्र सिंह बघेल की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है। दोस्तों नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य ऋण वेबिनार 2022-23 का आयोजन कब किया गया? तो ये 25 नवंबर को किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 नवंबर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें नाबार्ड फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? गोविंद राजुलू चिंताला है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोफेसर आफाक अहमद स्मृति सम्मान 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है संतोष चौबे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संतोष चौबे, और यह है संतोष चौबे। और दोस्तों जनाब जिया फारूकी को राष्ट्रीय अवार्ड बराए उर्दू अदब से अलंकृत किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा मनोज श्रीवास्तव को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोज श्रीवास्तव। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2019 डॉक्टर विनय राजाराम, और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2018 गुरट्टी वेकन्नू, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2017 कवि नरेश सक्सेना। तो 2017 का कवि नरेश सक्सेना को, 2018 का गुरट्टी वेकन्नू को, 2019 का डॉक्टर विनय राजाराम को और 2020 का मनोज श्रीवास्तव को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों ये सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है दोस्तों? ऊषा ठाकुर है। ठाकुर जी के पास पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग एवं अध्यात्म विभाग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में लिखी गई भारतीय कविता के उत्कृष्ट कवि को दिया जाता है। कबीर पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 3 लाख रुपए है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी? 1.5 लाख रुपए थी।
अब इसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, सर्वप्रथम 1986-87 में यह पुरस्कार कवि गोपाल कृष्ण को दिया गया था। ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शास्त्रीय गायन के लिए कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा पंडित भजन सुपुरई को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंडित भजन सुपुरई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कालिदास सम्मान की, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की। देखिए, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सांस्कृतिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का ही नहीं समूचे भारत का सबसे बड़ा अलंकार सम्मान है। प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 1980 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कला, कला संस्कृत एवं रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है और 1980-81 में श्री सुमन गुडी श्री निवास अय्यर को दिया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया था, श्री सुमन गुडी और श्री निवास अय्यर को दिया गया था। और यह पुरस्कार वर्ष 2013 से संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाने लगा है और इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्रिका दी जाती है। पूर्व में इसकी राशि 1 लाख रुपए थी और प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता था। इसमें 4 क्षेत्र और जोड़ दिए गए और वर्ष 2013 से एक और क्षेत्र जोड़ दिया गया, कौन सा, संस्कृत साहित्य जोड़ दिया गया है। तो हम शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की बात करें तो 2019 का पंडित अभय नारायण मलिक को दिया गया है, ये नोएडा से है। और शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 का पंडित भजन सुपुरई को दिया गया है, ये न्यू दिल्ली से है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, सुनैना हजारीलाल को। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 2020 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है ये शांता वीपी धनंजय को सम्मानित किया है और ये चेन्नई से है। अब रूपंकर कलाई की बात करें, रूपंकर कलाई के क्षेत्र में 2019 का जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है ये किसे दिया गया है, परमजीत सिंह को, ये न्यू दिल्ली से है। और 2020 का ध्रुव मिस्त्री को दिया गया है, ये बड़ौदा से है। ठीक है, रंगकर्म के क्षेत्र में बात करें, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019 से डॉक्टर अनिल रस्तोगी को सम्मानित किया गया है, ये लखनऊ से है। और रंगकर्म 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया है, वामन केंद्रे को दिया गया है, ये मुंबई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। और 2019 का मैथिलीशरण गुप्त सम्मान किसे मिला है दोस्तों, डॉक्टर शिवकुमार तिवारी को। ठीक है, 2019 का डॉक्टर शिवकुमार तिवारी को और 2020 का डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। और शमशेर बहादुर सिंह को पहला मैथिलीशरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया था। हिंदी कविता में उल्लेखनीय योगदान हेतु यह पुरस्कार 1987-88 से प्रतिवर्ष दिया जाता है और 1900 है। ठीक है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, पूर्व में 1 लाख रुपए थी। उसने हमारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2020, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा अमिताभ भट्टाचार्य को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमिताभ भट्टाचार्य को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020, अशोक मिश्रा जी को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, ऋषिकेश मुखर्जी है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी, 1997 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात करें हम, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2017 किसे दिया गया था, प्रिय दर्शन को दिया गया था। 2018 का किसे दिया गया था, वहीदा रहमान को दिया गया था। ठीक है, 2017 का प्रिय दर्शन, 2018 का 2019 का अशोक मिश्रा, 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य और पहला राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया था, ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया था। पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा 1997-98 से दिया जा रहा है और इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। पूर्व में इसकी पुरस्कार राशि कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। हमारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा शैलेश सिंह को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 किसे दिया जाएगा, शैलेश सिंह को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2019 किसे दिया जाएगा, आनंद मिलिंद को। और दोस्तों राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1984-85 से की गई थी और जो पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है ये किसे दिया गया था, नौशाद अली को दिया गया था। 2017 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है ये किसे मिला था, सुमन कल्याणपुर को, पार्श्व गायिका थी दोस्तों। तो 2017 का सुमन कल्याणपुर को मिला था, 2018 का कुलदीप सिंह को मिला था, संगीतकार है ये, और 2019 का आनंद मिलिंद को मिला है, 2020 का शैलेश सिंह को मिला है। पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला था, नौशाद अली को मिला था। ठीक है, इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इकबाल सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों,
तो इस बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2020 से अली अहमद फातमी को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, अली अहमद फातमी। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2020 की, ठीक है, तो ये मिलेगा अली अहमद फातमी को, और 2019 किसे दिया जाएगा, जाकिया मसहदी को। ठीक है, और जो अली सरदार जाफरी है ये राष्ट्रीय इकबाल सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2017 की बात करें तो ये किसे दिया गया था, मंसूर रहमान फारूकू को दिया गया था, और 2018 का अशफनफर अली को दिया गया था, 2019 का जाकिया मसहदी को दिया गया था, और 2020 का अली अहमद फातमी को दिया जाएगा। और पहला राष्ट्रीय इकबाल सम्मान किसे दिया गया था, अली सरदार जाफरी को दिया गया था। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, ठीक है, अभी हमारे मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, श्री इकबाल सिंह बैस। ठीक है, और देखिए हमारे प्रथम मुख्य सचिव कौन थे मध्य प्रदेश के, तो ये थे श्री एचएस कामत थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, श्रीमती निर्मला बूच। तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, श्री एचएस कामत थे, और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, श्रीमती निर्मला बूच। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो यह श्री इकबाल सिंह बैस। तो इन्होंने 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों, तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। दोस्तों तो बात करें हम यहाँ पर शूटिंग की, तो हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है, जबलपुर में है, और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। और देखिए दोस्तों जो 2020 का एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है प्रीति रजक को। याद रखिएगा एकलव्य पुरस्कार 2020 शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, प्रीति रजक को। और दोस्तों प्रीति रजक का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और विवेक सागर जो कि हॉकी के खिलाड़ी है, तो इनका भी संबंध होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको इस वर्ष का 2020 का जो है वो विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला हमारे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो विक्रम पुरस्कार है। ठीक है, और देखिए विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में 2020 का किसे मिला है दोस्तों, तो ये मिला है सुनिधि चौहान को। ठीक है, 2020 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, सुनिधि चौहान को। और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों दिव्यांग श्रेणी में 2020 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्राची यादव जो कि पैरा कैनो है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, ग्वालियर से है। ठीक है, प्राची यादव का नाम याद रखिएगा, ये पैरा कैनो है और ये दिव्यांग श्रेणी से आती है, इनको 2020 का विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश में कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है कोचेस को, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था। अच्छा, 2019 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर को। और ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और 2019 का विक्रम पुरस्कार जो है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है, कुमारी चिंकी यादव का। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, भोपाल से है। 2018 का एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था श्रेया अग्रवाल को। और श्रेया अग्रवाल का संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार 2018 का किसे मिला था दोस्तों, अनम बासित को मिला था। और अनम बासित का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में 100 से अधिक खिलाड़ियों की उपस्थिति में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस के मुख्य अतिथि में शूटिंग प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। और 15 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और श्री इकबाल सिंह बैस ने कहा है कि जल्द ही हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के सामने खेल विभाग की 50 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और नए कॉम्प्लेक्स में इंडोर फुटबॉल हॉकी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की लता टंडन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता पाने वाली पहली सेब बन गई है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। देखिए इंदौर शहर की सेफ लता टंडन ने 87 घंटे और 45 मिनट की सबसे लंबी कुकिंग मैराथन के लिए दुनिया का प्रतिष्ठित हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करके इंदौर का गौरव बढ़ाया है। और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली वह इंदौर की पहली सेफ है। उन्होंने 87 घंटे 45 मिनट की सबसे लंबी कुकिंग मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
और लता को मान्यता देने से पहले हार्ड रिकाइज टीम ने लता द्वारा प्रदान किए गए सभी डेटा को मान्य और सेफ लता टंडन को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम शामिल के मान्यता दी है। और उपलब्धि के पहले लता गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी है, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कुलिनरी पुरस्कार भी मिला है। लंदन में लता टंडन जी को राष्ट्रीय कुलिनरी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा छह अन्य विश्व प्रसिद्ध रिकॉर्ड पुस्तकों में विश्व रिकॉर्ड धारक है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नेपाल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडो चाइना बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लाओस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा विजय मनोहर तिवारी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय मनोहर तिवारी। और दोस्तों 2019 का सरद जोशी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? कैलाश मंडलकर को सम्मानित किया जाएगा। और पहला सरद जोशी सम्मान किसे मिला था दोस्तों? अभिषेक वर्मा को मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सरद जोशी सम्मान की, तो सरद जोशी सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1992-93 में हुई थी, ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1,00,000 रुपये दी जाती है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय सरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विजय मनोहर तिवारी को सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय सरद जोशी सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये कैलाश मंडलकर को सम्मानित किया जाएगा। और 2018 का राष्ट्रीय सरद जोशी सम्मान किसे मिला था दोस्तों? पत्रकार रवीश कुमार को मिला था, याद रखिएगा, NDTV के पत्रकार है रवीश कुमार। तो इनको 2018 का जो है राष्ट्रीय सरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और 2017 का किसे मिला था? तो ये मिला था व्यंगकार यशवंत व्यास को मिला था। तो 2017 का व्यंगकार यशवंत व्यास को, 2018 का पत्रकार रवीश कुमार को, 2019 का कैलाश मंडलकर को, 2020 का विजय मनोहर तिवारी को दिया गया था, ठीक है। और पहला राष्ट्रीय सरद जोशी सम्मान किसे मिला था? अभिषेक वर्मा को मिला था। हम बात करें राष्ट्रीय सरद जोशी पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार 1992-93 से ललित निबंध डायरी, पत्र लेखन, व्यंग लेखन हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और पहले इसमें पुरस्कार राशि 51,000 रुपये दी जाती थी, अब इसको 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला नानाजी देशमुख सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा गौमुख सेवाधाम कोरबा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और नानाजी देशमुख सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये नर्मदा खरगोन को किया जाएगा, ठीक है। तो 2020 का नानाजी देशमुख सम्मान गौमुख सेवा धाम कोरबा को, 2019 का नानाजी देशमुख सम्मान नर्मदा खरगोन को दिया जाएगा। और बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान की, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 2,00,000 रुपये है, ठीक है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2,00,000 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कुमार गंधर्व सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा सुचिस्मिता देवोप्रिया को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुचिस्मिता देवोप्रिया को। और 2019 का कुमार गंधर्व सम्मान किसे दिया जाएगा? मीता पंडित को दिया जाएगा। तो 2019 का मीता पंडित को और 2020 का सुचिस्मिता देवोप्रिया को, ठीक है। और पहला कुमार गंधर्व सम्मान किसे दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था नीलाद्री कुमार को दिया गया था, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर कुमार गंधर्व सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी दोस्तों? 1,25,000 रुपये है, यानी 1,25,000 रुपये। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्री तिलकराम पेंद्राम को। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, श्री तिलकराम पेंद्राम को। और देखिए दोस्तों, इस बार हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 2017, 2018, 2019 और 2020 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की घोषणा की है, जिसमें 2020 का राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किसे मिलेगा? श्री तिलकराम पेंद्राम को। 2019 का डॉक्टर भारती बंधु को, 2018 का श्री विक्रम यादव को और 2017 का श्री कैलाश चंद्र शर्मा को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की, तो इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2,00,000 रुपये दी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ठीक है। और पहला जो तुलसी सम्मान है 1983 में किसे दिया गया था? श्री गिरिजा प्रसाद को दिया गया था। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, भोपाल में, उज्जैन में, ग्वालियर में या देवास में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।